मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समीप हवन पूजन किया गया। हवन पूजन के बाद चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर सभी RLD के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि हर वर्ष चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाता है। गुरुवार को चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें RLD के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन पूजन किया गया। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जन्मदिवस मनाया गया। इसमें RLD के नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल, भाजपा के विधायक पूरन प्रकाश, वरिष्ठ रालोद के नेता रामपाल सिंह भरंगर, उमेश चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल युवा जिलाध्यक्ष व राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऐसा है, आज जो है विगत वर्षों की बात, जो है 23 दिसंबर को हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के आज जो है जन्म दिवस है, उस पर यहाँ हमने जो है हवन का कार्यक्रम किया है और सभी ने संकल्प लिया है कि जो चौधरी साहब के अधूरे सपने थे उनको जो है साकार करने के लिए हम सब लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी का साथ दे रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम सब लोगों ने यह हवन करने के बाद अभी हम जो है इगलास के लिए रवाना हो रहे हैं सभी लोग, और इगलास में आज महारैली है चौधरी साहब के जन्मदिवस पर, तो सभी लोग वहाँ रवाना हो रहे हैं। देखिए, आज के दिन एक महान सपूत का जन्म हुआ था 1902 में और छोटे से गांव में, और चौधरी चरण सिंह जिनका नाम था 1902 में जन्म हुआ, आज उनकी 119वीं जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। पूजा अर्चना की है, हवन किया है और पूरे देश ने की तरफ से प्रार्थना की जा रही है कि जो किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने जीवन भर किसानों की गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरे देश को किसानों की एक जवान देने का काम दिया, पहचान किसानों को दी उन्होंने, आज उन्हीं चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर आज पूरे देश में खुशहाली की कामना करते हैं और प्रभु से ये भी कामना करते हैं कि जो जितने भी किसान हैं, किसानों के साथ जो जाती हो रही हैं इस सरकार में, उसमें किसानों की मदद करें, उनको सद्बुद्धि दें और चौधरी साहब के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि सबको सुखी रखें, मंगलमय रखें और आज उनकी जिस तरह से और चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल करके जो देश में से गरीबी किसानों के और नौजवानों की जिस तरह की मंशा है उसको पूरा करने के लिए जगह जगह काम करें, ये प्रभु से कामना। आज सद्य हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की का जन्मदिवस था, उस उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट पर उनकी प्रतिमा के समक्ष हवन का कार्यक्रम रखा और सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्मदिवस मनाया। वो ऐसी शख्सियत थे जो गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक रहे और उन्होंने हमेशा गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हित की बातें रखी और उनके लिए पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने कार्य किया और किसान और मजदूरों के लिए विशेषकर बहुत कार्य किए। उन्होंने विशेषकर एक जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो था उन्हीं की देन था, जिससे किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला, भूमदारी के राइट मिले। इसके अलावा किसानों के हित में हमेशा जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। आज हम उनका ऐसी पुण्य आत्मा का जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम उनको सत्सर नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा लेके इस राष्ट्रीय लोकदल को कि मिशन को चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में उसे आगे बढ़ाने के लिए किसानों के हित और कार्य के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा इस पुण्य आत्मा का, इस व्यक्तित्व के धनी का हमेशा ऋणी रहेगा और किसान भी। कोई पद दिलवाना हो, आज 23 तारीख को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर कलेक्ट्रेट से चौधरी चरण सिंह जी के माल्या पर करके यहाँ हवन किया गया। हर वर्ष यहाँ माल्यार्पण किया जाता है, हवन किया जाता है, तो इस शुभ अवसर पर हवन करके और माल्यार्पण किया है। सभी कार्यकर्ता है मौजूद हैं। आज इगलास में माननीय जयंत चौधरी जी की, अखिलेश जी की रैली भी है, तो उसको लेके निश्चित तौर पर 2022 में जो सरकार बनेगी, जो
किसानों की सरकार बनेगी और ऐसी पुण्य आत्मा का आज जन्मदिन है जो किसानों के लिए तमाम उन्होंने कार्य किए।